श्याम ना बह जाए। कैसे कहूँ अरे कैसे कहूँ मन में कितना बेकरार है। कैसे कहूँ कैसे कहूँ कैसे कहूँ और तुमसे कितना प्यार है। श्याम ना बह जाए भोर हो के श्याम ना बह जाए। रात आई काम झंझर बांध रात आई आई चांद रात आई। रात आई पाम गंजर बांध रात आई आई चांद रात आई। सुन रे दिया अर्ज मरी सुन रे दिया अर्ज मरी आशा मरी नाच नाचज मर घटयाली माँ नाचज मर घटयाली माँ। सच्चू हाथ तो छोड़ो चाचा देख रहे। अब बजन मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा इंतजार? वो तो अपनी बिल्ली से खेल रहे होंगे या लैला की देखभाल कर रहे होंगे। बिल्ली और लैला, लैला और बिल्ली दो ही तो चीजें हैं उस घर में। ले मेरी जान। बख्तू तो नहीं आया अभी? नहीं बीबी जी। फिर कहीं चले गए चाय के वक्त। लाली परेशान क्यों हो? लाली परेशान तो नहीं जी, उन्हें देख रही थी। मत परवाह किया करो उसकी। क्या कहती? चलो चाय पी मिलकर हम दोनों। भाई बहुत खूब लाली। आपको पसंद आई? बहुत, और क्यों ना हो, आखिर किस बाप की बेटी हो। अब्दुल्ला मरहूम भी गजब के आर्टिस्ट थे, बचपन के दोस्त थे, अफसोस साथ छोड़ गए। जी बुरा नहीं करते लाली, तुम्हें किस चीज की कमी है यहाँ? कोई कमी नहीं जी, मैं तो बहुत खुश हूँ बड़े खान साहब। हम तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद तुम्हारी खुशी है लाली। आप कितने मेहरबान हैं, आपके एहसाना। ये मत कहा करो लाली, कभी नहीं। सुना, ये तस्वीर किसकी है? लाना जरा। जी जी, यही एक तस्वीर थी भैया की, हलीमा के पास रखी थी बेकार। कौन भैया? तुम्हारा कोई भाई नहीं था लाली, वो एक ओबाश लड़का था जो तुम्हें और अपने बाप को छोड़कर घर से भाग गया। हैरत है तुम अब तक उसे याद करती हो, मेरे पास रहकर भी। याद नहीं करती जी, मैं नहीं करती याद, कभी नहीं। देखो मुझे ये हैवानों की रहस्य बिल्कुल पसंद नहीं। राशों को पसंद हो तो हो, इसलिए कि वो खुद ऐसी है। कान खोलकर सुन लो, आइंदा अगर शेफ का सामान साफ नहीं हुआ तो थप्पड़ लगाऊंगी। बुक रखने के लिए बुक शेल्फ है और कपड़े रखने के लिए कपड़ों की अलमारी। अगर मैं तुम्हारी चीजें ना रखूं तो कौन ठीक करेगा? मगर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, तुम बिल्कुल बुद्धू हो। शेरे
चीजें किसने छेड़ी थी? जी मैंने सफाई की थी। मैंने कितनी मरतबा कहा है मेरे कमरे की सफाई मत किया करो, आ गया। जी नहीं, चीजें नहीं संभाली मैंने, सिर्फ गर्दा झाड़ा था। राशो आई थी? जी नहीं। लाला? जी पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। फिर क्या बोले? बस यही कि कुछ समझ में नहीं आता, शेरा कहता था। कौन समझाए उसे, कैसे समझाए कोई, हालांकि वो मुझे जग में सबसे प्यारा है। नहीं रहने दो, समझते क्यों नहीं। चलो बख्तू, जरा मश्क कर लो।
नहीं अब्बा छोड़िए, आज खानदानी रिवायत को नहीं छोड़ा जा सकता। मगर अब्बा मुझे वहाँ वो हॉकी खेलने जाना है। हाँ हाँ चले जाना, लो पकड़ो। हाँ बेटा पैतर बनाओ। शाबाश। हाँ हाँ क्या कर रहे हो बेटे? अब्बा जानी मेरा मूड नहीं है, मुझे हॉकी खेलने जाना है। कोई बात नहीं चलो। हाँ रोको। अब बहुत सख्त वार कर रहे हैं आप। तुम जैसे नौजवानों से नहीं होगा। हाँ भाई जवान खून है माशाल्लाह, हम बूढ़े हो गए। मान गए बख्तू मान गए, बड़े खासा को हरा दिया, बिल्कुल शिकस्त दे दी। और गौर से देखो, दिल की आंखें खोल के देखो, अंतर मंतर तलीर तलंतर। क्या हो रहा है चाची? तुम्हारे चाचा फाल निकाल रहे थे। कैसे फाल निकाल रहे थे अब्बा जान? मैं देख रहा था कि तुम्हारी, मेरा मतलब है कि साफ क्यों नहीं कहते जी कि राशो की शादी कब होगी? इससे कौन शादी करेगा? मेरी बात छोड़ो, अपनी फिक्र करो। चाचा जान हमारी भी किस्मत का हाल बता दीजिए ना। अच्छा अब तुम सब अपनी किस्मत के पत्ते उठाओ। पहले मैं उठाऊं चाचा? नहीं पहले राशो उठाएगी। उठाओ। पान की बेगम। मैं उठाऊं? नहीं देखो हुकुम का एक का चाचा वही रख दूं। हुकुम का बादशाह। हाँ आप आपको तो हराया चाची। चिड़िया का गुलाम। चाचा इंसल्ट हो गई। जो इन पत्तों पे है वही तुम इस जादू की तश्तरी में देखोगे। नौ दुर्गा चंडिका सहरे बंगाला आगे आने वाला। Thank you.
पर्वत की छत गिर गई और तूने हमें अब बताया है। सुनगे मनहूस, मुझे तो रोना आ रहा है सच्ची। चलो छोड़ो। शेरे, शेरे, देखना गूंगे को कोई तकलीफ ना हो, उसका ख्याल रखना। पहले तो मार मार के अधमुआ कर दिया, फिर कहते हैं उसे कोई तकलीफ ना हो। हमेशा इसी तरह करते हैं पागलों की सी हरकतें। क्या रखा है उस खंडर में, आज नहीं गिरता कल गिरता। चाचा से न कह बैठना खंडर, बेरम खां की हवेली है, हम उसकी औलाद जो ठहरे। ये गूंगा है कौन? नीला पर्वत का चौकीदार है, बेहद वफादार। ऐसा भी क्या? खैर अब चलो कादर मामा की। कादर मामा? अरे मेरे म्यूजिक के उस्ताद। कुछ नहीं कादर मामा, सोच रहा हूं मुझे आए हुए महीना हो चला, मगर मेरी लैला बहन का अभी तक कोई पता नहीं। मेरी सरकार चाहे तो अभी मिल जाए, अभी बहन भाई से आन मिले। अस्सलाम वालेकुम कादर मामा। वालेकुम सलाम बेटी। ओ प्रोफेसर साहब। जी मैं भी यहीं रहता हूँ, आइए तशरीफ रखिए, गो मेरा घर इस काबिल तो नहीं। ये मेरी बहन है कादिर मामा। माशाल्लाह। आदा जी। फिर ये मेरा प्रोफेसर है, एमए नियाजी, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, मगर बहुत चार्मिंग आदमी है ईमान से। आप तशरीफ तो रखिए। आइए आइए। लो भाई वो बेटी शिमी भी आ गई। तुम चोर हो? कौन हो तुम? चोरी करने आया था, मगर शक्ल से तो तुम चोर नहीं लगते। ये तस्वीर तुमने कहां से उड़ाई? लैला के कमरे से। कहां है लैला? खुदा के लिए मुझे लैला से मिला दो। मेरी बिछड़ी हुई बहन लैला। भैया